सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीत, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप अपने घर को, अपने शहर को, अपने गांव को, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आप जिस भी चीज़ को देखना चाहें वो आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, वो भी 3D में। फिर चाहे आपका कोई ऑफिस हो या फिर कॉलेज हो या फिर स्कूल हो या फिर घर हो, जिसको भी आप देखना चाहें कि कौन वहाँ पर क्या कर रहा है, तो सारा कुछ आप देख पाएंगे बिल्कुल लाइव, वो भी 3D के अंदर। तो दोस्तों किस तरीके से देख पाएंगे और इसके लिए क्या करना होगा, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताने वाला हूं। जानने के लिए आप बने रहें वीडियो पे, बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो लाल कलर का आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बाजू में एक घंटी का बटन बन के आ जाएगा, तो आपको इसको जरूर से दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करें चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं अपने आसपास की किसी भी जगह को लाइव देखना, वो भी 3D में, तो वो आप किस तरीके से देख सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है वो एप्लीकेशन, तो पहले मैं इस एप्लीकेशन का आपको यूज़ बता देता हूँ, उसके अंदर आपको क्या क्या सेटिंग करनी होती है ये बता देता हूँ। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप भी अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और इस तरीके से जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको आपके मोबाइल फ़ोन का GPS ऑन कर लेना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरा GPS ऑन है। इसके बाद जो भी प्लेस आप सर्च करना चाहें तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पृथ्वी आ चुकी है, यहाँ पर ग्लोब आ चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको जो भी चीज़ को, जिस भी प्लेस को सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं दिल्ली लाजपत नगर सर्च कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सर्च होगा और इस तरीके से जूम होकर आपके सामने 3D में बिल्कुल निकल के आ जाएगा सामने वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन, देख सकते हैं आप यहाँ पर लाजपत नगर की। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या कौन कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको जूम करेंगे, इस तरीके से आपको जूम कर देना है। जूम जैसे ही आप करेंगे देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको एक एक गली, एक एक चौराहा यहाँ पर एकदम आपको क्लियर दिख रहा होगा क्या चीज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप रोड पे कार्स वगैरह चल रही हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर जूम करते जाना है, इंटरनेट की थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, इस तरीके से यहाँ पर आपको एकदम क्लियर करके दिखा देगा ये। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हरि मंदिर यहाँ पर दिखा रहा है, इस तरीके से यहाँ पर एक पार्क दिखा रहा है और इस तरीके से एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर दिखाई दे रही होगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये लोड ले लिया है, पहले कुछ इस तरीके से आ रहा था पर यहाँ पर ये जब लोड हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर पूरा कलरफुल हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये पार्क वगैरह है, ये भी यहाँ पर एकदम क्लियर दिखा रहा है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर नेट की स्पीड मेरी बढ़ रही है, तो इससे ये जो भी है ये लोड लेता जाएगा और यहाँ पर ये आपको पूरा लोड करके यहाँ पर दिखा देगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये गली है, यहाँ पर गाड़ी वगैरह चल रही है, रोड पर बस वगैरह चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चौराहा है, तिराहा है सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आप लाइव 3D में देख पाएंगे जिस भी चीज़ को आप देखना चाहें। फिर आपका चाहे कोई ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जिस भी चीज़ को आप देखना चाहें तो वो आप यहाँ पर लाइव देख पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं हर एक चीज़ को लाइव देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी किसी भी चीज़ को, जिसको आप सर्च करना चाहें वो आप सर्च कर सकते हैं और उसको आप एकदम लाइव 3D के अंदर देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों फिलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक दे दिया है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों आप में से कुछ लोग ये भी पूछते हैं डिस्क्रिप्शन क्या होता है वीडियो का, तो दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन ये होता है, वीडियो का ये जो नाम लिखा हुआ होता है टाइटल, इसके सामने आपको यहाँ पर एक एरो देखने के लिए मिल जाता है। इस एरो पर आपको इस तरीके से टच करना है और नीचे में आना है जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड ऐप, और नीले कलर से, ब्लू कलर से आपको यहाँ पर एक लिंक देखने मिलेगी। तो जैसे ही आप इस नीले कलर की लिंक पर टच करेंगे तो इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपने फोन पर डाउनलोड पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहां से इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे इसके बाजू में घंटी का बटन बन के आ जाएगा, तो आपको इसको जरूर से दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।